वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। क्या लेकर आए हो? खिलाओगे? थोड़े कहाँ रहते हो? सात अंकल जी। सात चक में। क्या नाम है? उसामा। वाह जी उसामा, उम्र कितनी है? सात साल। मैं कम से कम डेढ़ दो से ही बैठता हूँ। डेढ़ दो से कितनी देर की? अच्छा, कौन बना कर देता है ये? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं हूं सलमान फिदौर, आप देख रहे हैं देसी रूट BWP यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। पार्क में जाने का प्रोग्राम बनाया और मैं जब पार्क के अंदर पहुंचा मैं एक चीज़ देखकर हैरान हुआ। वहाँ पर एक छोटू साद मुझे मिला और छोटू साद को जब इंटरव्यू में लिया तो उससे गपशप हुई है। तो उसने बताया, मैंने जब उससे पूछा कि यार आप कितने घंटे काम करते हो? मैं 10 बजे तक, और मैं सुबह सुबह चना चाट बनाकर आता हूँ और इस पार्क के अंदर रात 12 बजे तक सेल करता हूँ, और पूरा दिन मेहनत करने के बाद मुझे 200-250 रुपये जाके बनते हैं, और उसमें भी वो बड़ा खुश था। तो इसी तरह मैंने एक और शख्स से पूछा, कितने घंटे काम करते हो? 12। देखिए, जब इंसान काम करता है तो मैक्सिमम उसे 10-12 घंटे आम रूटीन में काम करना चाहिए। लेकिन जब स्टार्ट में मैंने यूट्यूब काम स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल हुई। 10 वीडियोस, 15 वीडियोस बहुत मुश्किल से बनी, और मैक्सिमम स्टार्ट में तो 10 मिनट 12 मिनट की बन गई, लेकिन उसके बाद अगर 5-7 मिनट की बनती तो इतनी ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं करता, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। तो चलें जैसे कैसे गुजारा करके मैंने कहा चलो डालते रहें एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि यार वीडियो वगैरह बहुत बहुत हद तक मेरी बोरिंग थी। जब मैं खुद देख रहा था एक बोरिंग वीडियो चल रही है, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि यार व्यूवर भी ये वीडियो मेरी देखता होगा और व्यूवर भी इससे कोई एंटरटेनमेंट वगैरह उसको मिलती होगी। जो वीडियो बनाता उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इम्प्लीमेंट सीखता ज़रूर जाता मैं, और उसके अंदर ये था कि डे बाई डे हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया मैंने सीखने को मुझे मौका मिला। ये साथ पे सड़क है तो बसें वगैरह चल रही हैं, गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, तो उसका शोर है। तो गाइस हमारी मेरी बात यहाँ पर चल रही थी कि ना मेरे पास जब मैंने वीडियो स्टार्ट की, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मेरे पास ना तो कोई ट्रैवलिंग की सिस्टम, ना मेरे पास व्लॉगिंग कोई ऐसी टेक्निक के मैंने वीडियोज़ वगैरह किस तरह बनानी है, ना कोई गैदरिंग जो कोई मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ किस तरह मैं इंट्रोड्यूस करवाता, क्योंकि मैं इस वक्त बहावलपुर में हूँ। यहाँ पर बहुत बस एक रूटीन के मुताबिक इंसान ने अपनी जॉब करनी है, एक रूटीन के मुताबिक अपना काम करना है, जॉब सीधा घर, घर से सीधा जॉब। मैं अपनी वीडियोस के अंदर सबसे गलती जो करता था, मैं सिंपल वीडियोस बना रहा था, बिल्कुल कोई इसमें मुझे कंटेंट का नहीं पता चल रहा है यार, कंटेंट बनाना कैसे, ढूंढना कहाँ से, आप नहीं कर सकते। वैसे वैसे एक जुनून, एक ही पागलपन, एक दिल में शौक बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा यार करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि इंसान स्टार्ट में सीख जाता है, लेकिन ऐसा ऐसा ज़रूर सीखता है, अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीख जाता है। और मैंने भी ऐसा ऐसा यही कुछ किया। अभी जिस जगह पर बैठा हूँ इतनी गर्म है ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने अपने दोस्त उमर को बिठाया, मैंने कहा उमर यार मैंने 20 वीडियोस बनाई हैं, मुझे आप एक चीज़ ढूंढ कर दो कि यार इनमें मेरी कुछ चेंजेस वगैरह या कोई एक ऐसी वीडियो जो इन सबसे बेहतर बनी हो। तो जब वो बैठा और देखने लगा तो उसने कहा कि यार सिर्फ एक वीडियो बेस्ट है और वो है आपकी माई फर्स्ट व्लॉग, जो मेरी दूसरे तीसरे नंबर पर माई फर्स्ट व्लॉग मैंने दोबारा बनाया था, सिर्फ शॉर्ट वीडियो क्लिप था, तो वो ज़्यादा बेस्ट बनी है। मैंने कहा वो एक अच्छा कंटेंट था, उसके अंदर एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी वीडियो एडिटिंग वगैरह थी। तो मैंने एक चीज़ नोट की यार, जब मैं अपनी ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा था तो मैं मैक्सिमम आधा घंटा एक घंटे के अंदर वीडियो बनाई, अपलोड कर, एक जैसे फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं कर रहा था, लेकिन ये चीज़ मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और ऐसा ऐसा मैंने कोशिश की थी यार अपने कुछ ना कुछ कॉन्टेंट ढूँढें, कुछ ना कुछ तो कॉन्टेंट ढूँढें, और कैसे अपने कॉन्टेंट को एक अच्छा बनाएं। बेशक स्टार्ट में ही गलतियाँ होंगी और सब कुछ ये प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होंगी, लेकिन ऐसा ऐसा जब एक बेहतर कंटेंट मिलना शुरू हो जाता है, अच्छी अच्छी वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद ऐसा ऐसा इंसान में एक शौक, दिलचस्पी पैदा होने लग जाती है। लेकिन फिर भी क्या है, वीडियो शूट करने के लिए थोड़े से स्टेप लेना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। चलो नेक्स्ट टाइम हम अपनी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर लिया करेंगे, क्योंकि ये तो एक वीरान स्टेशन यहाँ पर कोई होता तो है नहीं। अभी जब मैं पहले थोड़ी सी वीडियो बना रहा था वहाँ पर, तो सीट बिल्कुल गर्म हो गई, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी थी और पूरा दिन यहाँ का जो टेम्परेचर, वैसे बावलपुर का इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 40+ है। क्या हाल है? आ जाओ
क्या नाम है? नहरोज। नहरोज किधर रहते हो भाई? अच्छा आप लोग पठान हो, तो आप लोग इधर क्या कर रहे हो? मगर ये तो स्टेशन है। ये कह रहे वीडियो बना। क्या वीडियो? वीडियो आप लोग का वीडियो बनाओ। चलो बाय बाय करो।